हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था शाओमिंग ऑफिस की मसले के वजह से चूमो को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। एपिसोड 2 की स्टार्ट में शाओमिंग जब चूमो को नीचे धक्का दे रहा होता है तभी चूमो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शाओमिंग क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे तुमने बिल्डिंग से नीचे क्यों गिरा रहे हो। शाओमिंग चूमो को कहती है, मेरी हाथ को छोड़ो, तुमने प्रेसिडेंट को नाराज किया है, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो तुम्हें आज ही मरना होगा। चूमो कहता है, अगर तुम नीचे गिरना नहीं चाहते हो तो मुझे ऊपर खींचो। शाओमिंग कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। उसके बाद दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी शाओमिंग देखता है चूमो के पीछे एक गेट ओपन होता है और उसके अंदर से एक हाथ आकर चूमो को उसके अंदर ले लेता है। ये देखकर शाओमिंग कहती है, मेरे पास अभी भी एक मौका है, अगर मैं उस गेट के अंदर चले जाऊं तो मैं अब भी जिंदा रह सकती हूं। शाओमिंग ये सब सोच ही रही होती है तभी वो देखती है वो गेट बंद हो जाता है, फिर वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसकी काम वहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग चूमो को देखते हैं। चूमो कहता है, मैं इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर से नीचे गिर गया था, मैं फिर भी अभी जिंदा हूँ। फिर वो कहता है, ये अजीब रोड और ऑफिस बिल्डिंग थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, लेकिन रोड पर कोई भी लोग नहीं है, यहाँ हो क्या रहा है। तभी सिस्टम उसे कहता है, 10,000 सेवियर्स सभी यहाँ आ चुके हैं, ट्रायल को शुरू किया जा रहा है। सिस्टम के आवाज सुनकर चूमो अपने मन में सोचता है, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, द सेवियर्स ट्रायल, ये सब क्या है, यहाँ क्या चल रहा है। तभी एक लड़की चूमो को जोर से कहती है, मेरी रास्ते से हट जाओ, और वो चूमो के पीछे जाकर अपनी स्प्रिट स्वॉर्ड से एक वुल्फ मॉन्स्टर को अपनी एक ही अटैक से मार देती है। उसकी अटैक इतनी बड़ी साइज का होती है कि चूमो उसे देखकर सोचता है, क्या ये कुछ ऐसा है जो इंसान कर सकता है। लड़की कहती है, ये सीक्रेट जगह बहुत अजीब है जहाँ चुने हुए प्रैक्टिशनर सेवियर्स इस ट्रायल में आ सकते हैं। उसके बाद वो चूमो को कहती है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम साधारण इंसान हो जिसमें कोई भी एनिमा पावर नहीं है, वो मॉन्स्टर बस तुम्हारे पीछे आ गया और तुम लगभग मारे गए थे। चूमो उस लड़की को कहता है, मेरे जान बचाने के लिए आपका थैंक्स, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से कैसे बाहर जा सकता हूँ। लड़की कहती है, अगर एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, ट्रायल पूरा होने तक तुम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, ये जगह पूरे के पूरे मॉन्स्टर से भरी हुई है, इस दौरान तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी उसकी सीनियर आकर उस लड़की को कहता है, सिस्टर ये सीक्रेट लैंड कोई चैरिटी होने वाला जगह नहीं है, हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए भी एक बेहद खतरनाक जगह है, अगर तुम अपने साथ यह बर्डन उठाने जा रहे हो तो मुझे तुम्हें मेरी टीम छोड़ने के लिए कहना होगा, क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो। वो लड़की उसकी सीनियर को कुछ नहीं कहती। चूमो उस लड़की को कहता है, आप मेरे बारे में चिंता मत करें, आपने अभी अभी मेरा जान बचाई है और मैं आपकी आभारी नहीं रह सकता, अपना प्रायोरिटीज को सबसे पहले रखने का समय आ गया है, यहाँ तक अगर मैं अपने दम पर खड़ा रहता हूँ तो मुझे वो सब वापस मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास वापस जाने का एक वजह है, मेरी बहन अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। उस लड़की का सीनियर चूमो को कहता है, जस्ट इमेजिन करो जैसे तुम इसी तरह बोलने की हिम्मत करते हो, मुझे आश्चर्य है कि जब तुम सच्ची निराशा का सामना करोगे तो तुम कितने बुरे दिखने लगोगे। उसके बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन दोनों को गायब होते हुए देखकर चूमो कहता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वे दोनों वास्तव में गायब हो सकते हैं, उस लड़की ने वहाँ एक तलवार को छोड़कर गई थी। चूमो उस तलवार को पकड़ के सोचता है, उसने इस तलवार को छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रहने भी दो, यह वैसे भी बस कोशिश है। कहानी बताने वाला कहता है, जब बात मुद्दे की आती है तो आप अपने दम पर होते हो, सिर्फ एक कमजोर आदमी ही बाहर की मदद पर अपनी उम्मीदें लगा सकता है। उसके बाद चूमो के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होता है। सिस्टम कहता है, सीक्रेट लैंड में साइन इन करे और रिवॉर्ड रिसीव करे, आज के रिवॉर्ड को पाने के लिए क्लेम टू रिवॉर्ड पे क्लिक करे। सिस्टम को देखकर चूमो सोचता है, सडनली ये मेरे सामने अजीब सा स्क्रीन, साउंड और लाइट कैसे आ गया। उसके बाद वो क्लेम टू रिवॉर्ड पे क्लिक कर देता है। सिस्टम कहता है, पहले दिन साइन इन करने पे आपको मिलेनियम मॉन्स्टर का पावर रिवॉर्ड में मिल चुका है, रिवॉर्ड को जारी कर दिया गया है, कृपया जांच करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं चूमो के बॉडी से गोल्डन कलर का एनर्जी निकालने लगता है। चूमो कहता है, कल पूरी रात जागते रहने की थकान पूरी तरह से गायब हो गई, ये तो बहुत अमेजिंग था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 एंड होता है।